हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, जो सामान्य ज्ञान दर्पण का लेके आए हैं सेशन, जिसमें बताए दोस्तों यह जून मासिक का है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है दोस्तों जून 2023 का है, ठीक है। इसमें हम लोग कम्प्लीट सेशन करने वाले हैं इस बुक का, ठीक है दोस्तों। जितने भी इससे करंट अफेयर हो सकते हैं बनेंगे, जितने भी करंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है, जितने भी बन सकते हैं जून 2023 में इस बुक से, जितने भी बनने वाले हैं सामान्य ज्ञान दर्पण का, वो हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में जो है बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा खबर है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सेट भी दिया हुआ, बहुत सारा 3-4 सेट दिया हुआ है। SSC CHSL का दिया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया है, फिर CHSL का दिया है, उत्तराखंड पुलिस का। तो आप PDF तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला दोस्तों, ठीक। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो आइए, पहला इसमें सेशन आता है दोस्तों समसामयिकी सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसमें सबसे पहला वर्ड ये रहता है, पहला टॉपिक रहता है नियुक्तियाँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग नियुक्तियाँ को कवर करते हैं, किनका किनका हाल ही में नियुक्तियाँ हुआ है। तो देख सकते हैं पहला क्या है, वाइस एडमिरल जो है संजय जसजीत सिंह जो है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जो है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। देख सकते हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जो है 1 अप्रैल 2023 से अपना जो है कमान संभालेंगे, वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बने हैं। देख सकते हैं इनका फोटो भी है यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों, ठीक है। वाइस एडमिरल संजय जो है जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। यह बताए दोस्तों इनका जो है दोस्तों, यह NDA के जो है स्नातक, NDA से स्नातक किए हुए हैं, ठीक है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज किए हुए हैं इन्होंने, और इन्होंने 2 बार MA किया हुआ है, मुंबई से भी किया हुआ है विश्वविद्यालय, देख सकते हैं इतिहास में, और PhD भी किए हुए हैं कला से। नेक्स्ट आता है रश्मि शुक्ला जो है सीमा सुरक्षा बल की नई महानिदेशक बनी है। रश्मि शुक्ला जो है सीमा सुरक्षा बल की नई महानिदेशक बनी है। देख सकते हैं भारतीय पुलिस सेवा की जो है महाराष्ट्र कैडेट की अधिकारी श्रीमती जो है रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल SSB के जो है नए महानिदेशक के रूप में मार्च 2023 में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इनको जो है, इससे पहले ये क्या थी दोस्तों, CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक थी इससे पहले। नेक्स्ट है रश्मि रमन सिंह जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD बने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जो है सामान्य बीमा कंपनी जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है OICL के जनरल मैनेजर रहे श्री रश्मि रमन सिंह अब जो है कंपनी के चेयरमैन सह प्रबंधक यानी CMD मार्च 2023 में नियुक्त किए गए हैं। और यह कब तक रहेंगे दोस्तों, 2025 तक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेग जो है फुल्टन भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। क्रेग जो है फुल्टन भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों प्लेयर, ठीक है, जिनको हाल ही में बनाया गया है हॉकी इंडिया टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है ब्राजील की जो है पूर्व राष्ट्रपति जो है डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की जो है नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जो है डिल्मा रूसेफ को जो है बताए दोस्तों संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB की अध्यक्ष मार्च 2023 में इनको नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं दोस्तों, ब्राजील है, रूस, चीन, भारत व दक्षिण अफ्रीका है ब्रिक्स में। और यह कब तक रहेंगी अपने पद पे, 6 जुलाई 2025 तक रहेंगी। नेक्स्ट है एरियक गार्सेटी भारत में जो है अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। लॉस एंजल के जो है पूर्व मेयर एरियक गार्सोटी को भारत में अमेरिका के नए राजदूत मार्च 2023 में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे एरिक गार्सेटी। नेक्स्ट है माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष व कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व गजलकार श्री माधव कौशिक व
अगले 5 वर्षों के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, और दिल्ली में साहित्य अकादमी के जो है साहित्य उत्सव 23 मार्च 2023 को संपन्न इस चुनाव में कन्नड़ लेखक जो है मुल्लायल पूरम को 25 मतों के अंतर से उन्हें पराजित की हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुमुद शर्मा और माधव कौशिक को। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्रीमती कुमुद शर्मा जो है अकादमी की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। स्पाइस जेट के अजय सिंह उद्योग व्यापार जगत के संगठन जो है एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। स्पाइस जेट के जो है चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक श्री अजय सिंह को उद्योग व्यापार जगत के जो है संगठन एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में जो है 29 मार्च 2023 को कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान। तो देखिए फेमिना मिस इंडिया 2023 में दोस्तों बता दें वर्ष 2023 की 59वीं जो है फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल दौर कहाँ पे हुआ दोस्तों? मणिपुर के जो है इम्फाल शहर में हुआ है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ है। बताए दोस्तों 15 अप्रैल 2023 को यह सम्पन्न हुआ है। विभिन्न राज्यों से चुनी गई 30 सुंदरियां जो है इम्फाल में फाइनल दौर में शामिल थी। इसमें बता दें दोस्तों इसमें राजस्थान की जो है कोटा की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज मिला। उन्हें जो है यह ताज गत वर्ष की मिस इंडिया वर्ल्ड रह चुकी सिन्नी सेठी ने पहनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह रही नंदिनी गुप्ता और ये है सिन्नी सेठी। देख सकते हैं यहाँ पे मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता बीच में है और तथा दोनों उपविजेताएं हैं। दिल्ली की जो है 22 वर्षीय श्रेया पूजा इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता रही हैं। अब यह जो बताए दोस्तों यह नंदिनी गुप्ता जो है दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीतने वाली नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन का जो है सरस्वती सम्मान 2022 का किसे दिया गया है? तमिल भाषा की जो है प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? शिव शंकरी। इनको बताएं दोस्तों 2019 में प्रकाशित इनका जो संस्करण है कौन है? सूर्यवासम के लिए जो है के बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है वर्ष 2022 का 32वां सर्वोच्च सम्मान सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा 15 मार्च 2023 को की गई है। फाउंडेशन के द्वारा जो है इनको दी जाने वाला राशि कितनी होती है दोस्तों? 15 लाख की राशि दी जाती है और प्रस्तावित पत्र एवं सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। बता दें के बिरला फाउंडेशन का जो है साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल जो है किसी भाषा में जो है विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो अनुसूची 8 में भी यह वर्णित है। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन का जो है व्यास सम्मान किसे दिया गया है? हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास जो है पागल खाना के लिए जो है के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2022 का जो है 32वां व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा मार्च 2023 में की गई है। इस पुरस्कार के तहत प्रस्तावित पत्र व स्मृति चिन्ह के साथ जो है 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका जो है सेंट्रल बैंकिंग ने मार्च 2023 में दिया है। शोध पत्रिका ने उन्हें यह सम्मान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों तथा कोविड महामारी की पहली व दूसरी लहर तथा यूक्रेन युद्ध के समय उत्पन्न मुद्रास्फीति के समय उनके नेतृत्व को प्रशंसनीय बताते हुए यह सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के अमेरिकी संख्याविद को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय मूल के अमेरिकी संख्याविदी एवं गणित प्रोफेसर सी आर राव को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई है। 23 में
दो वर्ष में जो है एक बार दिए जाने वाला यह पुरस्कार $80,000 का पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। कोलकाता स्थित जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संबंध रहे प्रोफेसर राव भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1963 और पद्म भूषण 1968 और पद्म विभूषण 2001 सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है वास्तुकला के क्षेत्र का जो है प्रीतिजकर पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है, तो बता दें वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र का वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित जो है प्रीतिजकर पुरस्कार ब्रिटेन के जाने माने जो है आर्किटेक्चर उन्हें दिया गया है। जाने माने आर्किटेक्चर जो है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रदान करने की घोषणा मार्च 2023 में की गई है। वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माने जाने वाले इस पुरस्कार के तहत पदक के साथ $1,00,000 प्रदान की जाती है। गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके नोटिस कर लीजिए। गणित के क्षेत्र में जो है एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार जो है दोस्तों टेक्सास विश्वविद्यालय जो है ऑस्टिन अमेरिका के जो है गणित विभाग में कार्यरत प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेली को प्रदान करने की घोषणा नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स ने मार्च 23 2023 को की है। गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार बताए दोस्तों नोबेल पुरस्कार के तुल्य पुरस्कार माना जाता है। 23 मई को जो है ओस्ले में नॉर्वे के सम्राट जो है महामहिम हेराल्ड के हाथों यह दिया जाएगा यह पुरस्कार। इस पुरस्कार के तहत 75,00,000 NOK यानी नॉर्वे के क्रोन से देखा जाए तो 7,016,00,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है इस पुरस्कार में। यह पुरस्कार का नाम कौन सा है दोस्तों, देख सकते हैं गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022। इसमें बता दें इकोनॉमिक्स टाइम्स के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित जो है कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण 18 मार्च 2023 को किया गया। भारतीय जो है इंटरप्राइजेज के चेयरमैन श्री सुनील मित्तल को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर तथा सुद्रम फास्टर्न की प्रबंध निर्देशक जो MD हैं आरती कृष्ण को जो है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है HCL जो है टेक्नोलॉजीज के मानद चेयरमैन शिव नाडर को मिला। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के तहत दिया गया वर्ष 2022 के लिए दिया गया इन पुरस्कारों में जो है कंपनी ऑफ द ईयर जो है ICICI बैंक को तथा इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अडानी ट्रांसमिशन को दिया गया। कंपनी ऑफ द ईयर ICICI बैंक को दिया गया जबकि इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार अडानी ट्रांसमिशन को दिया गया। नेक्स्ट है कि उद्योग व्यापार जगत के जो है अनसर्ट एंड यंग जो है के पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया, तो देखिए उद्योग व्यापार जगत में जो है उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है अनसर्ट एंड यंग के जो है पुरस्कार वर्ष 2022 के पुरस्कारों में जो है JSW ग्रुप के चेयरमैन प्रबंध निदेशक जो है श्री सज्जन जिंदल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। DLF ग्रुप के जो है मानद चेयरमैन KP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। क्या है, KP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें इन पुरस्कार विजेताओं में से श्री सज्जन जिंदल जो है जून 2023 में मोंटे कार्ले के जो है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार वितरण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइजेस 2023, तो देख सकते हैं पडोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है एड्रिया रिनाल्डो को नदियों के जल संबंधी अध्ययन एवं शोध के लिए जो है स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट का वर्ष 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान करने की घोषणा 21 मार्च 2023 को की गई है। किनको, पडोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन है, एंड्रिया रिनाल्डो को।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों निधन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सलीम दुरानी, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1960 व 1970 के दशक के जो है भारत के ऑलराउंडर क्रिकेटर जो है सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं सतीश कौशिक, यह बताए दोस्तों सतीश कौशिक जो है प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक व पटकथा लेखक सतीश कौशिक का भी हाल ही में निधन हो गया है 9 मार्च 2023 को। नेक्स्ट टॉपिक आता है दिवस पखावज या सप्ताह कह सकते हैं इसको, तो पहले मार्च का देखते हैं। इसमें मार्च में कौन कौन इंपॉर्टेंस है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यह भी इंपॉर्टेंस है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस जो है 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसको स्वीकृति कब मिली है, 28 जून 2012 को स्वीकृति प्रदान की गई। और नेक्स्ट है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसे कब यह हुआ दोस्तों, प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित कब किया, 28 नवंबर 2012 को किया विश्व वानिकी दिवस को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार का एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देव जो है राजगुरु को बलिदान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब है, 23 मार्च का है। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में लाहौर प्रस्तावित पारित किया गया था, जिसके बाद में पाकिस्तान के गठन के लिए आधार प्रदान किया गया और स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी बाद में 1956 में 23 मार्च को अंगीकृत किया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 मार्च 1971 के उपलक्ष में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है बांग्लादेश। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल को भी देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंस कौन सा है। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल। खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय नौहन दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों यह इंपॉर्टेंस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय जो है सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल। अग्निशमन सप्ताह 14 से 20 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है पुस्तकें, यह भी इंपॉर्टेंट है। द मिराइकल मेकर्स इंडिया क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक कौन है, भरत सुंदरेशन और गौरव जोशी। नेक्स्ट है आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, गुलाम नबी आजाद है, आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आता है महोत्सव, देख सकते हैं ताजा महोत्सव कौन कौन सा है। ताजा महोत्सव 2023 का दोस्तों शिल्प कला व संस्कृति के आगरा के जो है प्रसिद्ध ताजमहल का आयोजन आगरा में ताजमहल के निकट जो है शिल्प ग्राम में 18 फरवरी से 5 मार्च को हुआ है। और नेक्स्ट है सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तलिपि जो है हस्तशिल्प मेला 2023 हरियाणा का जो है प्रसिद्ध 36वां सूरज कुंड
क्राफ्ट मेला जो है राज्य के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड में यह आयोजित हुआ कब से कब तक? 3 से 19 फरवरी 2023 में यह संपन्न हुआ। कब तक चला? 3 मार्च तक यह हुआ। और बता दोस्तों, यह सूरजकुंड मेला का थीम क्या है इस वर्ष का? इस वर्ष का थीम है स्टेट, पूर्वोत्तर के 8 राज्य जो है दोस्तों, 8 राज्य, जबकि जो है साझेदार देश का दर्जा शंघाई सहयोग संगठन को गया था। नेक्स्ट आता है भोपाल में भव्य कला मेला। देश भर के जो है दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों व हस्तकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उनके उत्पादन जो है उनके उत्पादों के प्रदर्शन व विपणन के लिए एक मंच का प्रदान करने के लिए 12 से 21 मार्च को भोपाल में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है विविध, इसमें है कोप इंडिया 2023। देखिए, भारत व अमेरिका के वायुसेना का जो है द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है कोप इंडिया पश्चिम बंगाल में कलाई कुंडा में 13 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। 24 अप्रैल तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में जो है जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा था, लेकिन जापान ने क्या सेल्फ डिफेंस फोर्स के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट है सीबीआई की जो है हीकर जयंती, सीबीआई की जो है डायमंड जो है जुबली ऑफ सीबीआई। तो बताए दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सीबीआई के जो है हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली समारोह 3 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के जो है विज्ञान भवन में किया गया। सीबीआई के जो है सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इस संगठन के हीरक जो है जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीबीआई जैसी पेशेवर व कुशल संस्थाओं के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों आर्थिक परिदृश्य, या आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं हम लोग। तो आर्थिक परिदृश्य जो है दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक है भारत की नई जो है विदेश व्यापार नीति 2023 का। देखिए क्या है, बताया दोस्तों, भारत के जो है विदेश व्यापार को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए नई विदेश व्यापार नीति लाई गई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पीटीपी 2023। इसमें बता दें दोस्तों कि जितने भी अभी ये हुए हैं, अभी जो भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई है, इसमें जो है हमारे देश के अभी नए जो है विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल 31 मार्च 2023 को किए हैं। बता दें कि यह जो है नई नीति में 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक कितना? $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आता है भारत जो है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग कवर करते हैं कि भारत व बांग्लादेश के बीच जो है सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन जो है दोस्तों, यह कितना किलोमीटर लंबा है? 131.5 किलोमीटर लंबा है यह पाइपलाइन, और इसको वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और जो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो दोनों ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किए हैं। और यह कब हुआ है? 18 मार्च 2023 को किया गया है। यह इसका बता दें, इसका जो है शुभारंभ उद्घाटन जो है इसका स्टार्टिंग जो है दोस्तों, यह कब किया गया था? इसका जो है दोनों देशों ने मिलकर सितंबर 2018 में ही इसका शिलान्यास रखा था। लगभग जो है 377.08 करोड़ की इसमें लागत लगी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि 2023 से 24 की पहली मौद्रिक नीति जो है में रेपो दर व बैंको दर सहित सभी प्रमुख बैंकों दरें जो हैं अपवर्तित रही, यानी जितने भी पहले रेट थी
अभी भी सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। जैसे देख सकते हैं जो प्रमुख बैंकिंग दरें हैं, यहाँ पे रेपो दर जो है 6 अप्रैल 2023 तक का यहाँ पे 6.50% है, रिजर्व रेपो दर 3.35 है और बैंक दर 6.75 है। नेक्स्ट आता है कर्मचारी जो है भविष्य निधि जमाओं पर जो ब्याज दर 0.5% बिंदु की वृद्धि की गई है। जितने भी कर्मचारी के भविष्य निधि जमाओं पर जो है ब्याज दर में कितना वृद्धि की गई है, 0.05% की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2023 से लघु बचतों पर ब्याज दर में 0.7% बिंदु तक की वृद्धि की गई है। दोस्तों एक योजना जो बहुत ही लाभकारी है महिलाओं के लिए, तो इसे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं के लिए नई बचत योजना एक चलाई गई है जिसमें महिला सम्मान बचत पत्र है। इसमें है दोस्तों कि महिलाओं में जो है बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई बचत योजना की शुरुआत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को की है। इस बचत योजना को महिला सम्मान बचत पत्र योजना नाम दिया गया है। इसमें बता दें कि जो महिला सम्मान बचत पत्र है दोस्तों, इसके तहत जो है केवल यह महिलाओं के लिए यह योजना है। और बता दें यह कितने आयु के लिए दोस्तों, तो नाबालिग से लेकर के अभिभावक तक की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए है यह दोस्तों। बता दें कि डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में जो है एकल खाता यानी सिंगल खाता 2 वर्ष से की नियत अवधि के लिए खोल सकते हैं, ठीक है, मात्र 2 ही वर्ष के लिए। और यह निवेश जो है 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए ही की जा सकती है। न्यूनतम 1,000 और अधिक से अधिक 2 लाख जमा कर सकते हैं राशि इसमें, और जमा किए हुए राशि पे बता दोस्तों 7.5% का जो है आप लोग को सालाना दर ब्याज दिए जाएंगे, ठीक है। जो आप लोग जमा कीजिएगा उसका 7.5% 7.5% का ब्याज आपको मिलेगा, जो तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाएगी। और यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए है, 31 मार्च 2025 तक ही लागू रहेगी यह योजना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये महिलाओं के लिए, इसे जरूर आप लोग अप्लाई करके देखिए। नेक्स्ट है कि जूट के जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। देख सकते हैं पे जूट के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में है जो 300 रुपये प्रति क्विंटल में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए जो है 6 डिजिट के हॉल मार्किंग अब अनिवार्य कर दिए गए हैं जो है मार्च 2023 में। अब कितने अंक रहेंगे, 6 अंकों के अक्षर रहेंगे तभी वो हॉल मार्कर के कहलाएंगे, अन्यथा वो हॉल मार्कर नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उजाला योजना के उपभोक्ताओं के लिए जो है 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी अब मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास जो है दोस्तों 578 अरब डॉलर के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष रह गए हैं। बता दें कि 2021 में दोस्तों यह 600 के आंकड़ा पार कर गया था, लगभग कितना था, 634 अरब डॉलर हो चुका था 2021 में, परंतु यह जो है इसमें गिरावट आ गई है, जिसके कारण अब जो है 578.449 अरब डॉलर ही रह गई है विदेशी मुद्रा कोष भारत की। बोले जाना था क्या? नेक्स्ट है कि फ्रांस के जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है अब विश्व में सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स आंकलन ने किया है इसके पत्र जारी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी अप्रैल 2023 में विश्व के अरबपतियों में 37वां वैश्विक सूची जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बताया गया है दोस्तों कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। बता दें इसमें जो है दूसरे नंबर पे रह गए हैं एलन मस्क, और हमारे मुकेश अंबानी जो है दोस्तों जो एशिया के टॉप माने जाते हैं इनका स्थान रहा है 9वें स्थान पे रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में, मुकेश अंबानी। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के जो है शीर्ष 10 अरबपतियों का नाम है, जिसमें बर्नार्ड अर्नोल्ट है जो फ्रांस के हैं, टोटल जो है 211 अरब डॉलर इनके पास संपत्ति है। सेकंड में है एलन मस्क जो टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक है, जिनके पास 180 अरब डॉलर है।
और उसके बाद है जेफ बेजोस जो अमेरिका के अमेजन के मालिक है। ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं भारत के जो है मुकेश अंबानी जो 9वें नंबर पे हैं, 83.4 अरब डॉलर जो है इनके पास है। और भारत के यदि शीर्ष 10 में देखा जाए दोस्तों, 10 मार्च 2023 के जारी किया गया, उसमें टॉप पे कौन है, रिलायंस जो है इंडस्ट्रीज के मालिक जो है मुकेश अंबानी है सबसे टॉप पे, उसके बाद गौतम अडानी, तब शिव नडार, उसके बाद साइरस जो है पुणे वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है 2022 से 23 में जो है भारत के वस्तुगत निर्यातों में 6% की वृद्धि, आयातों में 16% से भी अधिक की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य, इसको भी हम लोग कवर करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। इसमें देखते हैं पहला क्या है कि आम आदमी पार्टी को है ना दोस्तों, आम आदमी पार्टी को अब क्या मिल गया है, अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्र जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस व भाकपा का जो है यह दर्जा छीन लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 राज्यों में अपना बहुमत हासिल कर लिया है, 4 राज्यों में अपना पार्टी बना ली है, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में अपना आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन चुनावी दिखाते हुए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को प्रदान कर दिया है। इसके साथ जो है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है सदस्य दर्जा वापस ले लिया गया है। बता दें इसके तहत जो है दोस्तों से देश में अब जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है राजनीतिक दलों की संख्या अब कितना रह गई है, मात्र 6 हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और नेशनलिस्ट जो है नेशनलिस्ट पीपुल पार्टी और आम आदमी पार्टी है, ये मात्र 6 रह गई है। नेक्स्ट है कि मानहानि के एक एक मामले में जो है वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो है 2 वर्ष के कारावास की सजा के बाद जो है लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है 2019 में एक इनका भाषण था जो कर्नाटक के कुलार में दिए थे, जनसभा में संबोधन के दौरान जो है मोदी उपनाम से संबंध पे आपत्तिजनक टिप्पणी था, जिसके कारण इनको यह सजा, मानहानि की सजा इनको झेलना पड़ा है, जिसमें 2 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जो सूरत के जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं जो जो श्री हरीश हसमुख वर्मा ने जो है भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 499 और 500 के तहत जो 2 वर्ष की कारावास की सजा वायनाड से सांसद श्री राहुल गांधी जी को 23 मार्च को सुनाई है। धारा जो है मानहानि के लिए है। इसमें बताएं दोस्तों इनको जो है इस मामले में 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए फैसले के विरुद्ध जो है अपीलीय अदालत में जाने के समय देते हुए फैसला जो है अमल को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई के सर्वोच्च न्यायालय का इनकार रहा है। इसमें बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो है 14 विपक्षी दलों ने एकजुटता दर्शाते हुए यह याचिका में कहा था कि CBI व ED के 95% यानी 95% मामले जो विपक्षी नेताओं के विरुद्ध है। NDA के सत्ता में आने के बाद CBI व ED द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दायर मामले की संख्या में तीव्र वृद्धि की बात कहते हुए दोष सिद्धि की दर जो है 4 से 5% बताई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक जो है मादा चीते का निधन हो गया है, एक अन्य मादा ने जो है 404 शावकों का जो है जन्म दी है। बता दें एक जो है मादा का मृत्यु हो चुका है, लेकिन एक मादा जो है 4 शावकों की जन्म दी है अभी हाल ही में। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में जो है बाघ संख्या अब जो है 3167 हो गई है, 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है भारत में बाघ संरक्षण के लिए जो है चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष इस वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष में मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 5वें क्रम का जो है सारांश रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी ने
जारी किए हैं और बताए हैं कि कितने अब बाघों की संख्या हो गई, तो 3167 हो गई है। देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, अब जो है कितना वर्ष हो गया, 50 वर्ष हो गया है। उस समय कुल बाघों की संख्या 263 थी, अब 50 वर्षों के बाद कितना है दोस्तों, 3167 बाघों की संख्या हो चुकी है हमारे देश में। नेक्स्ट है कि 2022 से 23 के लिए जो है 26 वर्षीय 2022 से 23 के लिए जो 26 पुरुष क्रिकेटर बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किए गए हैं। देखिए कौन कौन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई ने भारत के पुरुषों की सीनियर टीम के लिए 2022 से 23 के सालाना अनुबंध को घोषित किया है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को जो है दोस्तों यह क्या किया गया है, A+ श्रेणी में रखा गया है, जिनको सालाना जो है 7.7 करोड़ रुपया दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बता दें ये जो 5 प्लेयर हैं दोस्तों, इसमें 4 प्लेयर जो हैं A+ श्रेणी में रखा है, जिनको 1 साल में 7 करोड़ रुपया दिए जाते हैं, और ए श्रेणी में जो है दोस्तों उनको 5 करोड़ दिए जाते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल हैं, और श्रेणी बी में जो है उनको 3-3 करोड़ रुपया दी जाती है, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल हैं, और सी श्रेणी में जो है उनको 1-1 करोड़ रुपये दी जाती है, शिखर धवन, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन और वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, दीपक हुडा, युजन चहल और कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह और एसके भरत हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि A+ में 4 और ऐसे करके टोटल जो है 29 प्लेयरों को सालाना अनुबंधित किया गया है। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा एक साथ जो है 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, SSLV के जरिए किया गया है 10 फरवरी को। यह उपलब्धि जो है 26 मार्च 2023 को बता दें कि इसरो का जो है यह LVM3 L3 वन वेब इंडिया 2 मिशन कामयाब हो गया। इसरो का वर्ष 2023 का यह दूसरा मिशन था। वन वेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है जो सरकारों एवं उद्योगों के संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है। वन वेब ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है के साथ अनुबंध किया था। इस अनुबंध के तहत वन वेब के लिए इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण था। वन वेब के लिए 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को किया था। 36 उपग्रहों के ताजा प्रक्षेपण से वन वेब के साथ किया गया अनुबंध पूरा हो गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया है। राजस्थान में जो है 19 नए जिलों का गठन किया गया है 17 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री कौन है, श्री अशोक गहलोत जी है वहां के। वर्तमान में 31 था, अब जो है 19 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 टोटल वहां पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है तिथिवार संक्षिप्त जो है घटनाक्रम, इसको देखते हैं हम लोग। मार्च 2023 में क्या है, जितने भी कराए उसको एक झलक देखते हैं रिविजन के तौर पे। 15 मार्च को जो है तमिल साहित्यकार जो है शिव शंकरी को वर्ष 2022 के लिए सोसत्ती सम्मान दिया जाएगा। 17 मार्च को राजस्थान में जो है 19 जिलों का गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। 18 मार्च को इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2022 की घोषणा। 23 मार्च को 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष व महिला टीम खिताब क्रमशः जो है PSPB व RBI ने जीता। नेक्स्ट है मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सूरत की एक अदालत ने सुनाई, उन्हें जमानत भी दे दी गई है। 2 वर्ष के कारावास की सजा के चलते लोकसभा सचिवालय ने उनको लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। 24 मार्च को रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है प्रति क्विंटल 300 रुपये में वृद्धि हुई है, 300 रुपये की। वर्ष 2022 से 23 के लिए जो 26 पुरुष क्रिकेटर BCCI द्वारा अनुबंधित किए गए हैं। इसरो द्वारा जो है LMB-3 रॉकेट के जरिए 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर मुंबई इंडियंस महिलाओं के पहले प्रीमियर लीग की विजेता बनी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है कि स्पाइस जेट के अजय सिंह जो है SCM के नए अध्यक्ष बने हैं। NSSO के जो है 78वें दौर के सर्वेक्षण जो है मल्टीपल
इंडिकेटर सर्वे के परिणाम जारी। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा अप्रैल 2023 में। देखते हैं कि 1 अप्रैल को लघु बचतों पर ब्याज की दर जो है 0.7% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के लिए जो है नई महिला समान बचत पत्र योजना शुरू की गई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। 3 अप्रैल को CBI की स्थापना का जो है हीरक जयंती समारोह नई दिल्ली में संपन्न किया गया। 2023 से 2024 की मौद्रिक नीति की पहली समीक्षा रेपो दर अपरिवर्तित रहा। बाघ गणना 2022 की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देशों जो है 2023 में देश में जो है बाघों की संख्या 3167 रही। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला। नेक्स्ट है 2022 से 2023 में भारत के वस्तुगत जो है निर्यातों में 6% व आयातों में 16% की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अंतरिम आंकड़े के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से भी हम लोग कवर करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कि फिनलैंड जो है दोस्तों फिनलैंड अब नाटो का सदस्य बन चुका है। रूसी सीमा से जो है सटा फिनलैंड अब जो है नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य 4 अप्रैल 2023 को। बताए दोस्तों जो फिनलैंड जो है अब नाटो का सदस्य बन गया है। बता दे नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। यह 31वां सदस्य बना है, 4 अप्रैल 2023 को बना है। बताए दोस्तों यह जो है अभी यह घोषणा जो है नाटो के जो महासचिव हैं जेंस एस्टोलेन जो है एस्टोलेन टेनबर्ग जो है यह 3 अप्रैल 2023 को किए हैं। बताए दोस्तों यह जो है फिनलैंड की जो है 1300 किलोमीटर सीमा जो है रूस से सटी होने के कारण रूस इन देशों को जो है नाटो की सदस्यता के पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो नाटो के सदस्य देशों में से तुर्की व हंगरी को छोड़कर से सभी देश ने इन दोनों देशों को जो है नाटो की सदस्यता के जो है आवेदन को स्वागत किया था। तुर्की व हंगरी ने नाटो में इनकी सदस्यता में आपत्ति था, क्योंकि वो बोलता था कि फिनलैंड व स्वीडन जो है वह जो है कुछ कुछ जो है आतंकवादियों को अपने देश में रखा है, जिस कारण यह हंगरी और जो है तुर्की यह इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। फाइनली इसको मिल ही गया। देख सकते हैं यहाँ पे कि नाटो जो है यूरोप व उत्तरी अमेरिका देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व कनाडा आदि देश इसके सदस्य शामिल है। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है सदस्यता देशों की स्वतंत्रता और सस्वता की रक्षा करना है। इस संगठन के किसी भी देश पर यदि कोई हमला करता है तो इसकी रक्षा के लिए नाटो के सभी देश मिलकर उसका बचाव करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी मिलकर विरोधी देश पर हमला भी करेंगे। तो नाटो की स्थापना मूलतः तत्कालीन जो है सोवियत संघ से यूरोप की सुरक्षा के लिए हुई थी। 1949 में स्थापना के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या 12 थी। अब धीरे धीरे बढ़ के कितना हो गए, 31 हो गया है। 31वां कौन बना है, फिनलैंड बना है। नेक्स्ट है इटली के प्रधानमंत्री जो है दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जो है भारत यात्रा। देख सकते हैं अपने देश के जो है उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो है भारत की 2 दिन जो है राजकीय यात्रा पे आई हैं, 2 से 3 मार्च 2023 को। ये 5 वर्ष के अंतराल के बाद जो इटली के किसी प्रधानमंत्री ने यह भारत की यात्रा की है। पिछले बार 2018 में हुआ था, फिर अभी आई है जॉर्जिया मेलोनी। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है जापान के जो है प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की जो है भारत यात्रा। द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के सिलसिले में शिखर वार्ता के लिए जो है जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा जो है 20 मार्च से 21 मार्च को की है और 1 वर्ष में 2 बार यह भारत की उनकी यह यात्रा थी। यहाँ पे देख सकते हैं नई दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है जापान के जो है
जापान के H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जो है दोस्तों, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को एक बड़ा झटका मार्च 2023 में उस समय लगा है जब 3 दशकों में विकसित उसका एक नया महत्वपूर्ण रॉकेट जो है H-3 पहली ही उड़ान में विफल हो गया है। यह मीडियम लिफ्ट रॉकेट का विकास जापानी एजेंसी द्वारा 3 दशकों में किया गया था। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ इस रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिण पश्चिम जापान के जो है कागोशिमा में स्थित जो है तानेगासिमा स्पेसपोर्ट पर जो है 7 मार्च 2023 को किया गया था। इसकी लॉन्चिंग सही हुई परंतु दूसरे चरण में इसका इंजन जो है स्टार्ट न होने के कारण यह प्रक्षेपण के कुछ ही देर बाद इसकी गति कम होने लगी और अपनी दिशा में यह भटकने लगा, जिसके कारण यह विफल रहा। नेक्स्ट आता है विश्व में जो है हथियारों के क्रय विक्रय के संबंध में रिपोर्ट। भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता जबकि अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता राष्ट्र बना है। विश्व में जो है हथियारों का आयात एवं निर्यात से संबंध आंकड़े जो है स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया है और यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है सिपरी के द्वारा, जिसमें सिपरी की वर्ष 2023 के ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो है 18 से 22 की संदर्भित अवधि में भारत विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है जबकि हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अमेरिका शीर्ष पे बना रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 22 तक का कि भारत जो है आयातक में सबसे नंबर वन पे रहा है, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कतर, ऑस्ट्रेलिया, तब चीन रहा है और निर्यातक में सबसे टॉप पे रहा है अमेरिका, उसके बाद रूस, फ्रांस, चीन और तब जर्मनी रहा है। नेक्स्ट है भूटान नरेश जो है जिग्मे खेसर जो है नामग्याल वांगचुक की जो है भारत यात्रा। भारत के साथ जो है द्विपक्षीय संबंध के सिलसिले में भूटान के जो है नरेश है ये भी आए थे यहाँ पे, 3 से 5 अप्रैल तक की भारत यात्रा किए हैं। भूटान के नरेश यह जो है काफ़ी समय प्रशिक्षित थी और भूटानी प्रधानमंत्री जो है इससे पहले जो है हाल ही के एक विगत बयान के जो है डोकलाम सीमा विवाद में भारत व भूटान के बीच सांस जो चीनी एक महत्वपूर्ण साझेदार है के बाद भूटान नरेश की भारत यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। यह पहला अवसर था जब भारत की नीति से अलग हटकर कोई बयान जो भूटान की ओर से दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भूटान के नरेश हैं। नेक्स्ट है चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के तिब्बती नामकरण करने के मामले में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की कुछ सीमा पर अपना दावा करते हुए चीन इसके कुछ हिस्सों को वह तिब्बत की दक्षिणी भाग जो है जंगनान बताता है। दोस्तों बता दें यह जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना तिब्बत का दक्षिणी भाग बताता रहा है चीन हमेशा से और उसको दावा करते रहा है कि यह तिब्बत का दक्षिणी भाग है, इसके कारण यह मेरा हुआ, तो यही विवाद हमेशा से चलते रहा है। इस पे भारत ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। नेक्स्ट आते हैं तिथिवार संक्षिप्त घटनाक्रम मार्च 2023 में क्या रहा है। 10 को सी जिनपिंग लगातार तीसरे बार कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। रामचंद्र पांडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत और बांग्लादेश के मैत्री पाइपलाइन का दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऑनलाइन उद्घाटन किए। चीन के ली सी फेंग व सी यू की ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब विजेता। 2 दिन की यात्रा के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में महिलाओं की 13वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में 4 स्वर्ण पदक के साथ भारत का पदक तालिका में शीर्ष स्थान, चीन व रूस का क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल में 3 दिन की भारत यात्रा भूटान के नरेश का रहा है और वह दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट है फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना। फ्रांस के जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने फोर्ब्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। बड़ी बिल्ली प्रजाति के 7 जानवर जो है 7 जानवरों का इंटरनेशनल बिग केट जो है अलायंस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन आह्वान किया।
अमेरिका के जॉर्जिया में जो है सम्मान संपन्न जो है अगस्टा मास्टर्ड गोल्फ 2023 का खिताब स्पेन के जो है जॉन राइम ड्रॉगिज ने जीता। भारत अमेरिका का संयुक्त वायुसेना अभ्यास जो है कोप इंडिया जारी। जर्मनी ने अपने 3 शेष बचे परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र बंद किए। नेक्स्ट आता है कीड़ा जगत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कीड़ा जगत। तो देखते हैं टॉपिक वाइज मार्च 2023 में क्या हुआ। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई श्रृंखला में पहला मैच भारत ने जीता। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन हुआ जिसमें बता दे किसने जीता दोस्तों, चीन के जो है ली सिफेंग ने फाइनल मुकाबले में अपने ही देश के सी यूकी को हराकर पुरुष का एकल खिताब जीत लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विजेता कौन बने हैं और महिला में विजेता कौन है, दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो है ओडीआई श्रृंखला भारतीय टीम की जो है 10 विकेट से पराजय, भारतीय टीम की जो है 10 विकेट से पराजय हुई है ओडीआई मैच में, 1-1 से बराबरी रहा। नेक्स्ट है बीएनपी परिबास ओपन में जो है रोहन बोपन्ना का खिताब जीता। नेक्स्ट है सऊदी जो है अरेबियन ग्रास पिक्स, और नेक्स्ट अगला है कि भारत के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत लिया, यानी कि 2 ऑस्ट्रेलिया ने और 1 भारत ने जीता, तो 3-1 से जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ। मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता बनी। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मुंबई इंडियन के जो है हाइले क्रिस्टन जो है मैथ्यूज को दिया गया। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन 345 रन ऑरेंज कैप दिल्ली कैपिटल्स की जो है मैग लैनिंग को मिला। सबसे अधिक 16 विकेट किफायत के साथ जो लेने के लिए पर्पल कैप मुंबई इंडियंस के जो है हाइले मैथ्यूज को ही मिला। देख सकते हैं विजेता टीम को जो मुंबई इंडियंस है उनको 6 करोड़ और उप विजेता को 3 करोड़ जो दिल्ली कैपिटल्स है। नेक्स्ट है स्विस ओपन में जो है भारत के सात्विक व चिराग की जो है जोड़ी युगल का खिताब जीता इन्होंने। महिला की जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में 4 स्वर्ण पदक, भारत का जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा, उसके बाद चीन रसिया ये सब रहा। यहाँ पे देख सकते हैं सात्विक और चिराग शेट्टी को यहाँ पे चारों देख सकते हैं भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीतू गंधास और निखत जरीन, नौलिना बोर्गहेन और स्वीटी बुरा, यहाँ पे चारों का फोटो है दोस्त। नेक्स्ट है 84वीं जो है सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है जी साथियन व श्रीजा जो है अकुला के एकल खिताब का हुआ, यहाँ पे दोनों विजेता बने। 84वीं जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है 20 से 27 मार्च 2023 में जम्मू विजेता और उप विजेता नेक्स्ट है कि आईपीएल 16वें संस्करण का शुभारंभ हुआ और इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया अहमदाबाद में। श्रीलंका के जो है विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीत लिया। अब अप्रैल का देखते हैं, पीवी सिंधु स्पेन मास्टर्स में उप विजेता रही। मियामी मास्टर्स जो देख सकते हैं डेनियल मेदमेदेव जो है 2023 का 4था खिताब जीता इन्होंने। अगस्टा मास्टर्ड गोल्फ इसमें विजेता कौन सा रहा है, जॉन राहम रहे हैं स्पेन के। नेक्स्ट टॉपिक है
समसामयिक की महत्वपूर्ण तथ्य से भी देखते हैं हम लोग, यह भी करंट अफेयर रहता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो ने भारत के किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से जो 26 मार्च 2023 को 36 वनवे सेटेलाइट को जो है लो अर्थ ऑर्बिट से जो है ट्रांसफॉर्म किया है, तो लॉन्च व्हीकल Mark 3 से किया है। नेक्स्ट है कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद सदस्यता जो है 23 मार्च 2023 से रद्द कर दी गई है, वह कहाँ के लोकसभा सदस्य थे, तो वायनाड केरल के थे। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच किस पहली सीमा पार डीजल तेल का जो है पाइपलाइन का संयुक्त रूप से 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया, तो भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन किया गया, IBFP किया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 मार्च में कहां आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष के लिए रवांडा के जो है किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया, तो किसे चुना गया, जियानी जो है इन्फेंटिनो को चुना गया, जियानी इन्फेंटिना को चुना गया। नेक्स्ट है अंतर जो है सदस्यीय संघ IPU के जो है 146वें सभा 11 मार्च से लेकर 15 मार्च 2023 को कहां आयोजित हुआ है, मनामा में हुआ है, बहरीन पड़ता है, जो बहरीन में पड़ता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस राष्ट्र को सबसे खुशहाल देश बताया गया है, लगातार 6ठी बार प्राप्त हुआ पहला स्थान, तो फिनलैंड प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जो है मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का जो है 18 मार्च से 19 मार्च तक कहाँ हुआ है, भारत के नई दिल्ली शहर में हुआ है। भारत में अमेरिका का नया राजदूत मार्च 2023 में किसे नियुक्त किया गया है, तो एरिक जो है गार्सेंटी को किया गया है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जो है डिल्मा रूसेफ को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में 23 मार्च 2023 को सर्वसम्मानित से निर्वाचित किया गया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक में किया गया है। स्विट्जरलैंड की जो है फर्म IQ एयर का जो है 14 मार्च को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है, देश चाड बताया गया है। शनिवार को जो है शनिवार 24 मार्च 2023 को रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में कई घंटे लोगों का जो है लाइट बंद रहा, कौन सा दिवस मनाया गया, अर्थ जो है रोवर डे मनाया गया। किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन जो है नाटो का 31वां सदस्य बनने की प्रक्रिया का 2023 में मंजूरी कर ली है, तो फिनलैंड ने कर ली है। बता दें भारत और श्रीलंका बीच जो है द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जो हुआ उसका 10वां संस्करण हुआ, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है साइक्लोनेक्स 23 नाम है। विमेंस प्रीमियर लीग जो है पहली बार किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। नेक्स्ट है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में दिल्ली में आयोजित हुआ 13वें संस्करण में कौन सा देश जो 2006 के बाद पहली बार 4 पदक जीतकर शीर्ष तालिका में शीर्ष पे रहा है, तो भारत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अक्टूबर से लेकर नवम्बर 2023 में भारत की मेजबानी में होने वाले विश्व कप 2 अप्रैल 2023 को क्या आधिकारिक लोगो जारी किया है, तो नवरस को किया है, नवरस लोगो जारी किया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर स्टेट टाइगर्स रिपोर्ट 2023 के आंकड़े के अनुसार बाघों की संख्या अब कितनी हो गई है, 3167 हो गई है। बता दें हैदराबाद में जो स्थित है जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों ने 2023 में शहर के लाइट एयर जो है लाइट रेयर अर्थ जो है एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाया है, अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ व संख्याविद 102 वर्षीय कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को जो है 2023 के लिए सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो एक नोबेल पुरस्कार के बराबर होता है। इंटरनेशनल प्राइजेज इन स्टैटिक्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के बाद इसका स्थापना दिवस जो है दोस्तों स्थापना दिवस ऐसे देश में शामिल है जहां पे मार्जर प्रजाति के जो है 7 पशु जो है चीता पाए गए हैं, तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। निर्वाचन आयोग ने मार्च जो
अप्रैल 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है और तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया और आम आदमी पार्टी ने इसे ग्रहण कर लिया है। चार राज्यों में अपना पार्टी बना करके भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास अप्रैल 2023 में हुआ। किस नाम से संपन्न हुआ? एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 के नाम से संपन्न हुआ। केंद्रीय जो है किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नियम को जो है 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का स्तर प्रदान किया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SICI को प्रदान किया गया। अमेरिका ने जो है फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस नाम से जो है दक्षिणी चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया है? तो बाल्टिकन जो है युद्धाभ्यास नाम से किया है। भारत का जो है पहला रेलवे जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम जो कॉरिडोर कहाँ तैयार किया जा रहा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 में दी है? लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। भारत को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए अप्रैल 2023 में चयनित किया है? तो किसे किया है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग को। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसरो ने पुनः प्रयोजक जो है प्रयोज्य परीक्षण यान जो है स्क्वायट लैंडिंग मिशन के तहत जो है 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चित्रदुर्ग के कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट आता है समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन है इसमें कि भारत में 37वां आहार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में सीडी देशमुख नाम दिया गया है? कहाँ पे स्थित है दोस्त? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है और निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, जकार्ता किस देश की राजधानी है जिसे हस्तांतरित कर नुसंतारा ले जाने की घोषणा की गई है? तो यह कहाँ के है? इंडोनेशिया की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रामचंद्र पैडल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? नेपाल के बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नोबल शांति पुरस्कार विजेता जो है एलेस वायलियात्स्की किस देश के जो है मानवाधिकार कार्यरत कार्यकर्ता हैं जिन्हें 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है? बेलारूस। राइट आंसर ऑप्शन डी। FATF द्वारा किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है? FATF के द्वारा तो रूस को निलंबित कर दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में भारत की यात्रा की है? तो यह किस देश की है दोस्तों? इटली की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में पेपर लीक विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब कौन जीता है? मुंबई इंडियन जीता है जो 6 करोड़ रुपया मिला है। और हारा कौन है दोस्तों? उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स जिसे 3 करोड़ रुपया मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के साथ संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 को जो है भारत ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जॉर्जिना बेयर किस देश के ट्रांसजेंडर सदस्य थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? किस देश के दोस्तों? न्यूजीलैंड के। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसकी जो है घोषणा हुई है? किसकी घोषणा हुई है? रणबीर सिंह की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा अतिपूर्तिकर्ता देश बना है? तो कौन देश है? रसिया, रूस है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में जैविक खेती को B20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
गैंगटोक में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश के किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, किस देश में है? इंडोनेशिया में है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश ने पहले पोर्टेबल अटैक ड्रोन का अनावरण किया है? कौन सा देश है? ताइवान है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत फ्रांस संयुक्त युद्धाभ्यास जो है प्रिंजेक्स 2023। नेक्स्ट आता है सारभूत तत्व कोष, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसमें लगभग 130 क्वेश्चन रहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक वाइज रहेगा, सब में 10 10 क्वेश्चन रहता है, तो 13 टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि डायमेकस जो है किस सीरिया नरेश के राजदूत थे? तो अंतियोकस के थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है ऐसा कौन सा था, हड़प्पा कालीन स्थल ऐसा कौन था जिसका निचला शहर भी जो है सामान्य लोग रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? तो कालीबंगन था। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भाबरू अभिलेख में बताया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था प्रथम परम भागवत की उपाधि प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है मध्यकालीन सभी सभी सुल्तानों ने सबसे अधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद तुगलक थे, महमूद तुगलक, मोहम्मद तुगलक थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद लाए थे। किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी? यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के कारण उनकी हत्या हो गई थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप का व्यवस्था के स्थान पर किस माप जो है पैमाने का प्रयोग किए थे? काठी एवं मानक छड़ी का उपयोग किए थे। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था जिसकी राजधानी अहिल्यावारा थी? तो मूल राज प्रथम का था। बाण भट्ट जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा कब किए थे? तो 20 जुलाई 1905 को किए थे। किस स्वतंत्रता सेनानी की जो है 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस से लाठी से घायल हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय जी का हो गया। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब जी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान जो है सत्याग्रहियों पर किसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? गढ़वाल राइफल्स। किसके द्वारा कोमागाटा मारू जहाज को किराए पर जो है अफ्रीका के लिए रवाना हुआ था? बाबा गुरु दत्त सिंह। किन क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर प्रयत्न किया था? प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देश बंधु चितरंजन दास। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। इस वर्ष जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। 8 नवंबर 1943 को सौंप दिया था जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट है मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को किन क्रांति की शुरुआत की? तो 20NI नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की? 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत। 11 दिसंबर 1946 को कौन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? केटी शाह बोले थे। भारत का जो है संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को देता है। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। भारत में वह कौन राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी
किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को कहा जाता है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान 121वां। वर्ष की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्ष की मात्रा जो है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीनोम में से पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैव मंडल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर में। समुद्र जल में सबसे अधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास से नहीं देखी गई हो, 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो? फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वृक्ष पर लगने वाला वह स्तनधारी जिसका जो है जूलॉजिकल नाम एलुरस फॉल्गेस है वह क्या है? लाल पांडा है। सबसे अधिक जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया है वाल्ट जी रोसेन ने किए हैं। नेक्स्ट है भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जो है प्रोटोकॉल जैव विविधता समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को। ग्रीन हाउस गैस मीथेन के प्रमुख स्रोत है। धान के खेत कोयले की खान और पालतू पशु के आद्र भूमि। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रीजो जो जो गैस भरी जाती है वह है मैथ्रोन। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान है? 8वां। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप का जो है 15 को जो है COP15 जो है 2022 में हुआ है 7 दिसंबर से 19 दिसंबर को। कहाँ पे संपन्न हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। भारत का पहला जो है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन है आकार में 5वें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। जब ज्वालामुखी का कौन सा मैग्मा ज्वालामुखी का मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है उसे क्या कहते हैं? सील। किस नदी को पॉम तेल के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को। दक्षिण अफ्रीका के जो है जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को नाम से जाना जाता है हीरो की खान के हीरो के नगरी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड। सबसे अधिक राज्य की सीमाएं भारत से लगी हुई कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है जो एक ब्लॉक पर्वत है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? डोदावेटा है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहते हुए किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? रिसरा में कोलकाता में हुआ था 1855। विश्व की पहली मेट्रो रेल किस देश में चली थी? इंग्लैंड में चली थी, सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी। नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन है भारतीय जो है घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत में फसल बीमा योजना कब से शुरू हुआ? 1988 से हुआ। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ था? 1862 में। साख पत्र प्रस्तुत किसके द्वारा करना होता है? आयातकर्ता के द्वारा करना होता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? नाबार्ड के अधीन किया गया है। नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। क्वेश्चन है भारत ने मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली बराक किस देश से खरीदी है? इसराइल से।
नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में रहता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूसना प्रेरित होता है ऑक्सीटोसिन से। डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था 1987 में, 1984 में। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत का डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो पीडीएफ द्वारा, इसे देख लीजिएगा आप लोग, रिवीजन कर लीजिएगा। बीएड और डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 15 जुलाई 1993 को की थी। पूना में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में हुआ था। विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है कृषि। आम का जो है बीज रहित प्रजाति कौन सा है? सिंधु प्रजाति है बीज रहित। आम में भारत में जो है आलू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। शक्तिमान वन और शक्तिमान टू अनुवांशिकी परिवर्तन फसलें हैं मक्का की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक उचित फसल कौन सा है? मूंगफली। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। नॉर्मन जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 20। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त तो फसल कौन सी है? ढैंचा है। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट आता है खेलकूद। विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है? एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को चुना है। क्रिकेट की ईरानी ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है? शेष भारत ने जीता है। 22वीं राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। ओलंपिक ध्वज का सुझाव बोरैन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर कब सृजित हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है खेल शब्दावली जो है चेकमेट किस खेल से है? शतरंज से। शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस। भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? 1928। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर ज्ञान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और आरआरबी के लिए भी है, दिल्ली पुलिस के लिए भी है। ठीक है, तो आइए इसे भी देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? बिल गेट्स पॉल एलन के द्वारा। माउस का आविष्कार 1964 में किसके द्वारा की गई थी जो लकड़ी का बना हुआ था? डॉक्टर जो है डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। वेबसाइट खोलने के बाद ब्राउजर द्वारा प्रकाशित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते